नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएमजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर जिले में महू शहर में सामाजिक संस्था प्रज्ञा सागर द्वारा स्वर्गीय सुरेंद्र पाल खनुजा की स्मृति में दंत चिकित्सा शाला अध्ययन और धूम्रपान मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मरीजों का निःशुल्क उपचार कर परामर्श देकर दवा गोली वितरित की गई। महू शहर के स्थानीय तांगा खाना यादव मोहल्ला में खनुजा टेंट हाउस पर इस शिविर का आयोजन हर साल 31 दिसंबर को किया जाता है, जिसमें धूम्रपान करने वाले लोगों के फेफड़ों की जांच और कई लोगों के दांतों का परीक्षण भी होता है। इस शिविर में सैकड़ों लोग पहुंचकर इसका लाभ लेते हैं। खास करके जैसे रूरल एरियाज में हम देखते हैं, वहाँ पे अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल जो ओरल प्रोग्राम्स हैं, ओरल डिजीज प्रोग्राम्स हैं, हम लोग कैंप्स करते हैं, इसके माध्यम से हम गांव गांव तक पहुँचते हैं और हमारे साथ संस्था जुड़े हुए हैं। तो हिसाब से ये है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए जितनी ज़्यादा अच्छी बात है। क्या लगता है, आप ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचते हैं तो किस प्रकार की बीमारियाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं? लोग एक्चुअली क्या है कि लोग ये हैं जागरूक, हम चाहते हैं कि वो जागरूक जो ओरल डिजीज़ है, ओरल प्रोग्राम्स है, इसको हम और फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो ये पहुँच सके। क्या सावधानियाँ रखना चाहिए कि इस प्रकार की बीमारियाँ ना? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको साल एक या दो बार डेंटिस्ट को विजिट करने चाहिए, उनसे डॉक्टर्स पूछने चाहिए। आप गांव में देखिए जो खान पान है, जो भी तंबाकू गुटखा पान मसाला ये वो तो बहुत सारे ऐसे आपको यहाँ तक कि आप जैसे ओरल कैंसर एंड ऑल जो डिजीज है, तो उनसे सावधानी काफ़ी। सामाजिक संस्था प्रज्ञा सागर प्रबुद्ध संघ द्वारा वर्ष की विदाई मानव सेवा के रूप में मनाई। संस्था के मार्गदर्शक स्वर्गीय सुरेंद्र पाल जी खनुजा मित्र मंडल द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी यह एक निःशुल्क शिविर लगाया गया है, जहां रहम राउंड डेंटल कॉलेज के डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। वहीं सिप्ला कंपनी के डॉक्टरों ने धूम्रपान मुक्ति हेतु मशीनों से जाँच कर निःशुल्क दवाइयाँ दी गई और इस शिविर में लाभान्वित व्यक्तियों को राउंड डेंटल कॉलेज की ओर से कम चार्ज में मुख के ऑपरेशन भी निःशुल्क जैसे ही किए जाएंगे। कितने लोगों अभी शिविर का लाभ ले चुके? अभी तक के 235 लोगों ने दाढ़ों की जांच और मुख की जांच कराई है, वहीं 115 लोगों ने धूम्रपान की जांच कराई। क्या लगता है आपको, धूम्रपान जिस प्रकार से नई पीढ़ी में बढ़ता जा रहा है और क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? ये शिविर लगाने से आज ये देखने में आया कि ज़्यादा लोगों में इसके प्रति रुझान नज़र आया है कि हमारे फेफड़ों के अंदर कितना सिगरेट बीड़ी से तंबाकू से नुकसान हुआ है। और मैं चाहूँगा सिप्ला कंपनी को का सहयोग लेकर जगह जगह नगर में इसमें के शिविर लगाऊँ ताकि लोग लाभान्वित हों और नई पीढ़ी इन धूम्रपान से बचे।